सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक यूट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मस्त सा इको बोर्ड लेके आ गया हूँ, जो कि है सेलकॉन कंपनी का। काफ़ी अच्छा जो है इको बोर्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फोर माइक से ये चलता है, फोर माइक से एक्चुअली में नहीं चलता, ये फोर इन वन है। एक्चुअली में आप एक साथ यहाँ पर फोर माइक पे इको इस्तेमाल कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर ये बोर्ड हो जाता है। तो जो भी बंदा यहाँ पर मेरे चैनल पर नया है, फटाफट से यहाँ पे सब्सक्राइब मार दे और बेल आइकन को ठोक दे, ताकि जो है हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर सकें और आपको भी इस काम में देरी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फालतू बकवास किए बिना। तो फर्स्टली यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो इको बोर्ड है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फोर माइक का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें आप एक साथ जो है चार माइक यहाँ पे लगा पाएंगे। और कैसे लगा पाएंगे तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर खाली एक ही माइक का कनेक्शन दिया हुआ है, बाकी तीन जो है आप ऑटोमेटिक यहाँ से कर सकते हैं एक एक तार निकाल के। बाकी ग्राउंड तो सबके लिए कॉमन होता है। तो ये बात हो गई। अब जो दूसरी बात ये है कि इसमें जो है यहाँ पर आपको फोर वॉल्यूम मिलते हैं अलग अलग, यहाँ पर कंट्रोल के लिए, जहाँ पे फर्स्ट वॉल्यूम आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, सेकेंड जो है ईगो कंट्रोल है, चौथा है जो आपका रिपीट आपको कितने टाइम करना है वो है, और उस रिपीट की स्पीड क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर आखिरी वाले वॉल्यूम से मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेहतरीन कंट्रोल आपको मिलता है। काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ ही आता है। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी आपको मिलता है। आप देख सकते हैं जो पीसीबी है उसकी थिकनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, थिकनेस मतलब मोटाई काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बोर्ड हो जाता है। और ये बोर्ड चूँकि 12 वोल्ट की सप्लाई से चलता है, तो काफ़ी आसानी से जो है आप इसको चला सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि गिटार प्ले करने के लिए या फिर जो है यहाँ पर बेंजू में जो है इको का सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है। जो बेंजू प्लेयर बंदा होता है उसको सबसे अच्छा इको चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए आप इको मशीन भी बना सकते हैं, जो कि पोर्टेबल यहाँ पर हो सकती है। आप क्या करिए, आप इस जो ये जो बोर्ड है आपका, उसको आप एक बॉक्स में पैक करिए बढ़िया से, जो है यहाँ पर 12 वोल्ट का जो है यहाँ पर अडाप्टर उसको दीजिए और 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें लगा दीजिए, और साथ में चार माइक या दो माइक उसमें लगा के दे दीजिए। और राइट लेफ्ट आउटपुट का जो है यहाँ पर जो है आप एक आउटपुट सॉकेट यहाँ पे लगा दीजिए, और आपका जो है यहाँ पर एक बढ़िया सा जो है आपका इको मशीन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी कम प्राइस में जो है इको मशीन यहाँ पर बन जाएगा। आपने देखा होगा जनरली मार्केट में जो स्ट्रेंजर के इको मशीन्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और वैसे भी साउंड की चीज़ें काफ़ी महंगी आती है। तो आप इस तरीके से वहाँ पर सस्ता बोर्ड इस्तेमाल करके काफ़ी जो है अच्छा मशीन यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से जो है यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसका जो ऑडियो है वो किस क्वालिटी का है। हम खुद टेस्ट करके बताएंगे आपको, हम बोल के भी सुनाएंगे, और अच्छे से जो है यहाँ पर आपको ऑडियो का जो है यहाँ पर नॉब अलग अलग घुमा के जो है आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर राइट लेफ्ट के कनेक्शन है, पीछे आप देखेंगे तो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये जो है ग्राउंड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, चूँकि ये मोटे प्रिंट से कनेक्ट है इसलिए ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये यहाँ पर माइक लगा हुआ है हमारा, सॉरी ये 12 वोल्ट का है सप्लाई है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिलेगा। ये तो ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बोर्ड यहाँ पे हो जाता है। और ये जो है माइक का सॉकेट है, कुछ नहीं करना है, बढ़िया से यहाँ पे 12 वोल्ट देना है। ये जो प्लस माइनस की तार है इससे 12 वोल्ट देना है, और राइट लेफ्ट को उठा के बेस ट्रबल बोर्ड के जहाँ पे इनपुट आ रहा है वहाँ पर डाल देना। आप देख सकते हैं ये जो है मेरा राइट लेफ्ट का यहाँ पे ये जो है खाली है, क्योंकि मैंने तीनों पीछे से यहाँ पे राइट और लेफ्ट दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम आपको फटाफट से टेस्ट करके बताते हैं कि इस बेस ट्रबल की क्वालिटी है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर ऑडियो पे आती है, क्या हमिंग होती है और क्या यहाँ पर क्वालिटी मिलती है। तो चलिए फटाफट से जो है हम यहाँ पर एम्पलीफायर को चालू करते हैं। ये जो मेरा बोर्ड है ये मेरा सेट्रॉन का बोर्ड है, जो कि 200 वॉट पे है। एक्चुअली में 200 वॉट प्लस ये निकाल देता है। तो अगर आपको इस बोर्ड का जो है स्पेसिफिकेशन देखना और साउंड टेस्ट देखना, तो मैं जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। मैंने इसको चेक किया, काफ़ी साउंड टेस्ट भी किया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे भी अपना जो ईगो बोर्ड है उसका टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे सारा कनेक्शन कर लिया, आप देख सकते हैं ये जो है हमारा
जो है ये माइक का जो है पोर्ट है, और इसमें हमने अपना जैक यहाँ पर लगा दिया है। मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो यहाँ पे लीड है और ये हमारा माइक है। तो हम फटाफट से जो यहाँ पे इसको चालू करके बताते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर होने वाला है। तो हम जो है फटाफट यहाँ पे वॉल्यूम खोल लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हल्की से जो है हमिंग की आवाज़ यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बोर्ड है, मतलब इसमें जो साउंड है काफ़ी तेज़ हो सकता है और काफ़ी हैवी बेस भी इसमें आती है। तो हम आपको चेक कराते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मेन वॉल्यूम भी हम खोल देते हैं। तो गाइस मैं क्या है, चूँकि वॉल्यूम को डायरेक्ट टच कर रहा हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे उसमें हमिंग आ रही। आप अगर वॉल्यूम डाल के यूज़ करेंगे तो इतना हमिंग नहीं आएगी। तो गाइस हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हेलो 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 गाइस ये हमारा वॉल्यूम का है, और इससे जो है हमारा ईगो जो है हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि घुमाने के बाद कैसा होता है, इसको कम करते हैं। हेलो 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 हेलो। तो गाइस ये वॉल्यूम घुमाने से जो है हमारा जो है ईगो जो है कम हो जाता है, और हम जो है इसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ हम रिपीट को घुमा के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं रिपीट को बढ़ाने पे जो है रिपीट ज़्यादा होने लगता है, और ये जो है यहाँ पर हमारा जो स्पीड है उसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। पहले स्पीड को कम कर देते हैं, पहले जो है स्पीड को कम कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा जो है इको सर्किट काम करता है, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे साउंड क्वालिटी आ रहा है। थोड़ा सा मोटा इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से जो यहाँ पे 5244 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काफ़ी दमदार आवाज़ यहाँ पर निकालता है। और यहाँ पर जो आउटपुट में जो स्पीकर लगा हुआ है मेरा, जो मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो के लास्ट में, वो भी एक सबवूफर है, इसलिए काफ़ी मोटी आवाज़ जो यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर आप एक ट्रबल वाला जो है स्पीकर इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक स्पीकर होता है नॉर्मली, तो उस पर जो है आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आवाज़ मिलने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हमारा ईगो बोर्ड काम करता है सेलकॉन का। और अगर आपको इसको लेना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बोर्ड है, और कोई मेरे पास से भी डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सअप करके ख़रीद सकता है अगर किसी को चाहिए तो। और इस बोर्ड का तो मैंने बता दिया कि आपको सीधे जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, वहाँ पर जो है आपको आराम से इसका जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये साउंड क्वालिटी यहाँ पर आती है। तो अगर किसी भी को जो है किसी भी बंदे को अगर इस तरीके का जो है ईगो बोर्ड यहाँ पे चाहिए और ईगो बनाना चाहता है वो खुद से, तो इस तरीके का बोर्ड यहाँ पे परचेज कर सकता है। काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है, बढ़िया आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है मैं निरंतर आपके लिए इस तरीके की जो वीडियो बना के लेके आ सकूँ। इसमें जो है आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मदद हो जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों का प्यार ही तो मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।